डाली डाली फूलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनीषा उत्तराखंडी पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, और आज है हरेला। तो आप सभी को मेरी तरफ से हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हरेला, मायके में मेरा शादी के बाद पहला हरेला है, और आज हरेले के साथ साथ मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे भाई। और सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 8:30, और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब दिन में जितनी तेज़ धूप होती है ना, आज तो सुबह इतनी तेज़ धूप हो रही है। आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मौसम कैसा है। तो ये रहा हमारा हरेला, ऐसा हो रखा है। और यहाँ पे मम्मी और भाई कर रहे हैं पूजा। हरेला भी कटा नहीं है क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं हैं। यहाँ पे पूजा चल रही मम्मी और भाई की, और आज है मेरे भाई का बर्थडे। मम्मी अभी मंदिर को जा रही है पूजा करने के लिए, और आज मम्मी का फास्ट भी है सोमवार का। तो मम्मी यहाँ पे गाय बात के उसको यहाँ पे भी धुआं लगा के उसको मक्खी मच्छर ना लगे, फिर मम्मी मंदिर को जाएगी। और यहाँ पे बैठा है हमारा ब्रोनो, वो मेरे भाई तैयार हो गया है बिल्कुल धोती वगैरह पहन के मंदिर जाने के लिए। अभी ये लोग फिर मंदिर से आएंगे, उसके बाद फिर हमें हरेला चढ़ाएंगे। अबे चाची ने भी अपनी बाछी बात दी है और धुआं लगा दिया है, और चाची मंदिर से आगे देखो टीका देखो लंबा चौड़ा, और इधर से आमा भी देखी है, इधर बच चुकी इनकी गाय। और ये है हमारी शैतान लड़की, सुबह से चीज़ खाते खाते अब पेट भर गया है इसका, और इसको चलने की ताकत नहीं है, दौड़ने की ताकत नहीं है, और टीका देखो आँख में भी लगा रखा है इसने, रोते रहती है चिल्लाते रहती है ये, तो अब सो गई है, भर गया पेट। चीज मिलते ही चेहरे पे खुशी, ये खुशी झलक आई है, चीज हाँ खा खा, कोई नहीं खा रहा था। मम्मी मंदिर से आ गई है हरेला चढ़ा के, मम्मी मेरे को हरेला चढ़ाएगी। और शादी से पहले जब मम्मी हरेला चढ़ाती थी ना, तो मेरे को पैसे देती थी मम्मी, अब भी देगी है। और मम्मी को ना इतना सारा पसीना हो रखा है, मम्मी का फास्ट है सोमवार का, ये देखो इतना पसीना हो गया, ये बहुत तेज धूप हो रही है। और मेरा फास्ट नहीं है आज, क्योंकि जिनकी नई नई शादी हो रही ना, वो लोग फास्ट अभी नहीं ले सकते क्योंकि काला महीना लगा है, और जिनके चल रहे सिर्फ वही लोग फास्ट लेंगे, अब मैं अगले साल से लूंगी। तो मम्मी यहाँ से मंदिर से आ गई। और क्या मांगा मम्मी तूने आज भगवान से? फिर मैंने क्या मांगाया, तुम्हारे लिए मांगी मन्नत, तूने पापा के लिए व्रत लिया था, पापा के लिए क्या मांगा? सबके लिए मांगा। पापा के लिए क्या मांगा? सबके लिए मांगा, हमारा जोड़ा बचा, हमारा सदा सुहागन रहे। अच्छा, और तुम भी सदा सुहागन रहो, और मेरे बच्चों का भला करना। अच्छा, और तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। अच्छा, कभी तुम्हारी जोड़ी में कुछ भी कभी भी लड़ाई ना हो, कभी मत ना आए। अच्छा चलो ठीक है, फिर अब हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे पूरिया। पूरिया बनाने के लिए पहले मैं फटाफट से कूट लेती हूँ आटा, फिर बनाऊंगी सब्जी। मम्मी के बाहर का काम करेगी, तो मैं अभी खाना वाना बना लेती हूँ पहले। तो अभी आटा मैंने गूंथ दिया है, और आलू भी उबल चुके हैं, तो मैंने आलू छील दिया है। अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। और टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, डालने में भी डर लग रही है, लेकिन क्या करें, खाना तो है ही, महंगे हो चाहे कितने भी हो। तो पापा अभी जल्दी आ जाएंगे, तो पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर पापा खाना खा के चले जाएंगे। और अभी मम्मी बाहर से गाय वगैरह को नहला रही है। तो अभी मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए ना दो टमाटर काट रहा हूँ, इससे मुझे इतनी जोर की डांट पड़ी है ना। अरे इतने महंगे हो रखे हैं, एक टमाटर काफी है, तो आधा बचा के रख दे। तो मम्मी टमाटर भी मैं ही खरीद के लाई हूँ, जो भी है तू लाई हो, कोई भी लाई हो, महंगाई कितनी है। तो भाई एक कैसा है कि टमाटर कहीं नहीं मिल रहे, इतने महंगे हो, बाप रे आसमान छू लिए। तो टमाटर की वजह से घर में क्लेश भी हो सकता है, ध्यान रखे। तो अभी बना लेते हैं पूरियां, और आज पूरियां चूल्हे में नहीं बन रही क्योंकि ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए फिर मैं गैस पे ही बना रही हूँ पूरियां। और अभी आलू टमाटर की सब्जी, पूरियां भी बन चुकी है, और यहाँ पे बना रखे हैं बड़े,
और मम्मी ने बना दी थी यहाँ पे खीर, जो कि है घर के चावलों की, और घर के चावलों की तो खीर की तो बात ही अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो अब हम करते हैं नाश्ता, नाश्ता ही है फिर, अभी सुबह खाना खा नहीं रखा है। पापा पहला कुआं हाथ आगिल करना चाहिए। हाँ तो आमा लगा रही दह के सुलूक, और आमा हमको त्योहार देने आ गई है हरेला के बड़ बड़। यहाँ पे दोनों मेरा ब्लॉग देख रहे हैं अभी। जय जय जी रे, बच्ची रे, खूब बड़े हो जाना। हाँ तो यहाँ पे मैंने लगा रखी है शादी की वीडियोस, और यहाँ पे सभी लोग चाची लोग आए थे वीडियोस देखने के लिए शादी की। और बाहर ना इतनी अच्छी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, बिल्कुल इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया है ना बिल्कुल। तो टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और अभी हम शादी की वीडियोज़ देख के फ्री हुए हैं, और मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, अभी बारिश आई थी, अभी धूप भी आ गई थी फिर उसके बाद, और मम्मी लोग काट रहे हैं घास। ये लगा रखे हैं भुट्टे, वो लगा रखे हैं लौकी का पेड़, और वो हो रखी है लौकी। मम्मी काट रही है नीचे घास वहाँ पे। तो देखो इसकी खुशी, तो घूमने जाना है, चलो चलो नहीं आ रही मैं बोलना, मैं नहीं आ रही। इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, खाना भी नहीं खा रहा है कुत्ता, पता नहीं बीमार पड़ा था बीच में और अब खाना भी नहीं खाते, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया ये। ब्रोना मैं नहीं आ रही बाबू, भाई हीटो हीटो। तो यहाँ पे अब बर्थडे का सेलिब्रेशन होने लग गया, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता है क्योंकि इसको आती है शर्म। और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं अभी, ये है चाचा और ये चाचा हमारे गांव के सबसे लंबे चाचा है, और मैं अभी दिखाती हूँ आप इनके बगल में खड़े होके, इनके सामने ना छोटी सी मतलब चींटी लगती हूँ मैं इनके सामने। हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे भाई का भी वीडियो कॉल आ रखा है, और यहाँ पे चचा कर रहे हैं वीडियो कॉल में बात, और वहाँ से हमारे ब्रूनो भी देख रहा है केक खाने के लिए। अब हम कट करेंगे केक। हमारा बर्थडे बॉय, और बर्थडे बॉय कितने साल के हो गए हो तुम? हैप्पी बर्थडे टू यू, स्माइल देगी स्माइल। आज मेरे भाई का बर्थडे है, आज मुझे केक मिलेगा। तो अभी चाचा और आमा खिलाने लग गए हैं केक। चलो तुम खाते रहो। तो किसी को केक नहीं खिला रहा है, मेरे को खिला रहा है। वो एक लड़की तो वही है जो मतलब कारोबार में ही जुड़ी रहती है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। दूसरी उसकी दीदियां है, वो पढ़ाई लिखाई में करती है लेकिन कारोबार से दूर रहती है थोड़ी। अलीद है वो काम में। और वो लड़की जो है कहती है भैंसी पालूंगी मैं, इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ये हमारे घर का सदस्य ब्रोनो, क्या खाएगा बाबू? कैसा लग रहा? चलो बाबू आप भी खाओ। पुन्ना आलो। ये रहे हमारे डम्फो, जिनको बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है ठंडा बांटने की।
गिलास उड़ गया। तो अभी बर्थडे पार्टी वगैरह हो गई है और हम लोग भी खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।